हेलो एवरीवन, इस वीडियो के साथ एक छोटा सा स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ध्यान ज़रूर देना, ध्यान से सुन लेना, ये स्टोरी शायद आपको हेल्प कर जाए। मेरे एक दोस्त ने फ़िलहाल में हाल ही में जो अटेम्प्ट हुआ है नवंबर 2022 का, उसमें सीए फाइनल्स के एग्ज़ाम्स दिए हैं। सो इस एग्ज़ाम्स के समय उन्होंने एक छोटा सा चेंज किया था अपने स्ट्रैटेजी में। वो पहले औरंगाबाद में प्रिपेयर करते थे, फिर उन्होंने पढ़ाई के लिए अपना सिटी चेंज कर लिया, दूसरे शहर में जाके पढ़ाई की। और हुआ यू कि उस दूसरे शहर में उनके काफ़ी सारे रिलेटिव्स थे, और ड्यूरिंग द एग्ज़ाम्स मतलब प्रिपरेशन सारे रिलेटिव्स का मिलना जुलना होता था। सभी लोगों को पता था कि मेरा दोस्त पढ़ाई कर रहा है, सीए फाइनल का एग्ज़ाम्स दे रहा है। तो ये जो चीज़ें हुई उसके साथ, इसमें वो प्रेशर में चला गया कि यार अभी तक जितने अटेम्प्ट मैंने, एक दो अटेम्प्ट दिए हैं सीए फाइनल के, उस समय मैं और मेरे को ही पता रहता था मैं क्या पढ़ाई कर रहा हूँ, कैसे पढ़ाई कर रहा हूँ, कब मेरा रिजल्ट है, कौन से एग्ज़ाम्स हैं। लेकिन नवंबर 2022 में हुआ यू कि बोले सारे रिलेटिव्स मेरे साथ इन्वॉल्व हो गए, है ना। तो और उनको एक एक्सपेक्टेशन लग गया कि यार ये बंदा पास हो जाएगा, पढ़ाई अच्छे से कर रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर वेर हैपनिंग। और मेरा दोस्त उस प्रेशर में थोड़ा सा कहीं तो एग्ज़ाम्स मिस कर गया, या तो एक फोबिया उसके मन में बैठ गया, डर एक मन में बैठ गया कि यार मैं एग्ज़ाम्स दे रहा हूँ लेकिन मेरे साथ साथ सभी लोगों को एक उम्मीद लग चुकी है कि यार एग्ज़ाम्स है, रिजल्ट्स आएंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। एंड उस चक्कर में उसका परफॉर्मेंस ख़राब हो गया। सो उसने ये बात बताई मुझे, और ऐसा हुआ है भाई कि आज तक मैं कभी डरा नहीं था लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मतलब ये सब चीज़ें होने की वजह से डर लग रहा है। तो इस स्टोरी से एक ही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, शायद हो सकता है आप में से भी कई सारे लोग इन चीज़ों को फेस कर रहे हो अभी, कि आप अपना नेटिव प्लेस छोड़ के कहीं और पढ़ाई के हिसाब से बैठे हो, और वहाँ पे आपके बहुत सारे रिलेटिव्स बोलो या फिर आपके माताजी पिताजी, उनको भी आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, ऐसा हो गया होगा। सो फिलहाल जब एग्ज़ाम्स 3 दिन पर है सीए फाउंडेशन का, आप एकदम कूल रहिए, ठंडा रखिए। फिलहाल किसी के बारे में कुछ सोचना नहीं है आपको कि यार कौन क्या सोच रहा होगा, किसने मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन करे है, कुछ भी मत सोचिए। यू मस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज़ ओनली। अगर आप स्टडीज़ पे फोकस कर रहे हो, शांति से पढ़ाई कर रहे हो, तो आप पास हो जाओगे। बाकी लोगों के एक्सपेक्टेशन का प्रेशर मत लीजिए, ध्यान रखिए, बाकी लोगों के एक्सपेक्टेशन का प्रेशर मत लीजिए। प्ले योर नेचुरल गेम और एग्ज़ाम्स अच्छे से दीजिए, अच्छे से लिख कर आइए पेपर्स, और पास हो जाइए। मिलते हैं सी एंटर में। थैंक यू।